क्लास 10th। आज का जो हमारे इससे पहले हम कुछ सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पहला हमारा था सोडियम क्लोराइड, दूसरा हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH, और इसे हम कॉमनली क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड दिस इज ऑल्सो नोन एज या कॉल्ड एज कास्टिक सोडा। इसका दूसरा नाम क्या है, कॉमनली नेम कास्टिक सोडा। अब बात करते हैं प्रिपेयर कैसे होता है, डिकम्पोजिशन होता है इसका। जैसे कि NaCl सोडियम क्लोराइड वाटर के साथ मिक्स होगा, और जो क्लोरीन गैस होगी वो कैथोड के साथ रिएक्ट करेगी, मतलब कैथोड के पास पहुँच जाएगी, तो फिर क्या बनेगा, 2NaOH यानी कि 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस, ये तो हो गई इवॉल्व गैस है ना, बाहर निकल जाएंगी और हमारे पास क्या बच जाएगा, प्योर सोडियम क्लोराइड हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो किससे बना ये, NaCl और H2O से, और प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें मिल गया जिसका कॉमनली नेम क्या होता है, कास्टिक सोडा, और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिली, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस एयर में इवॉल्व हो जाएंगी। अब है इसकी प्रॉपर्टीज, क्लियर है, अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं कैसे, इट इज वाइट एंड स्मूथ सॉलिड। ये एक तो वाइट होता है और बहुत ज़्यादा स्मूथ सॉलिड है, क्या है, वाइट है, वाइट कलर का होता है और स्मूथ सॉलिड होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट इज 591 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 591 केल्विन, और कैसा है, कलर कैसा है, वाइट, और वैसे कैसा है, स्मूथ है, और मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन। नेक्स्ट दिस इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में डालते ही घुल जाता है, तैयार रहता है फटाफट घुलने के लिए, आराम से घुलने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, इज प्रेजेंट इन आयोनाइज्ड फॉर्म इन एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये एक स्ट्रॉ, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होता है एक आयोनाइज फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में डालते टाइम, तो इस वजह से इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है, समझ में आया, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है इसमें प्रेजेंट है, स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होने की वजह से एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही आयोनाइज फॉर्म कर लेगा, और इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, वाइट है, स्मूथ सॉलिड है, दूसरी मेल्टिंग पॉइंट 591 केल्विन, रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, फटाफट तैयार रहता है सॉल्युबल होने के लिए, फिर स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट होने की वजह से आयोनाइज फॉर्म कर लेता है एक्वस सॉल्यूशन में डालते ही, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लाइट है। फिर है यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड इन सोप, पेपर, टेक्सटाइल्स एंड केमिकल इंडस्ट्री। किस किस में काम आता है, सोप में, पेपर में, टेक्सटाइल्स में और केमिकल इंडस्ट्री में, कौन कौन सी चीज़ हो गई, सोप, पेपर, टेक्सटाइल, केमिकल इंडस्ट्री। नेक्स्ट यूज्ड इन मेटल एनर्जी ऑफ बॉक्साइट, मेटल एनर्जी होता है छोटे छोटे पीसेस, कचरा, पूरा कचरा सा, जैसे किसी डस्टबिन में कूड़ा कचरा फेंक देते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे से पीसेस बच जाते हैं, पेपर के रद्दी जैसे बोलते हैं कतरन, वो बच जाती है, उसे फेंक देते हैं, ऐसी बॉक्साइट की मेटल एलर्जी में काम आता है। ठीक है, एक मेटल एलर्जी की तरह काम आता है बॉक्साइट में। ठीक है, यूज्ड इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोल को रिफाइन करने में काम आता है, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में काम आता है। नेक्स्ट यूज्ड इन मेकिंग फैट एंड ऑयल, फैट को और ऑयल को बनाने का काम करता है, और यूज्ड इन रिजेंट इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में एक रिजेंट की तरह काम करता है। ये तो नॉर्मल टॉपिक है, किसी में भी डाल सकते हो कि यूज्ड इन रिजेंट इन लेबोरेटरी। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई कि बना कैसे, बना कैसे, NaCl जब हाइड्रोजन सॉरी वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा, वो NaOH बन जाएगा जिसमें से Cl2 और H2O गैस इवॉल्व हो गई। फिर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, वाइट है, स्मूथ है, 591 केल्विन है, रेडिवली सॉल्युबल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और यूज किस में, सोप में, पेपर में, टेक्सटाइल, केमिकल इंडस्ट्री, मेटल एनर्जी ऑफ बॉक्साइड, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, मेकिंग फैट एंड ऑयल, और रिजेंट इन लेबोरेटरी। क्लियर,
टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट टॉपिक में ये दो मेटल हो गए, एक तो हमने दो कंपाउंड हो गए, एक तो इससे पहले हमने सोडियम क्लोराइड पढ़ा था, अब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर और उसे हम नेक्स्ट वीडियो से प्रोसीड करेंगे।